हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी अड्डा 8 to 7 पर। हमने अभी तक 2 से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो 4 सेट में किए हैं, 1 से लेके 2 से तक। आज उससे आगवा 5वां सेट चलेगा, जो 2 से से आगे चलेगा। तो 2 से 1 है पहला क्वेश्चन। किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधि है? तो कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है और मनो उपचारात्मक विधि। ये चारों ही सही हैं, इसके चारों तीनों क्वेश्चन सही हैं। आगे बात करते हैं 2 से 2 की। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? संवेगात्मक किस प्रभाव में होता है? किशोर अवस्था। सबसे ज़्यादा संवेग आता है बच्चे के अंदर, तो वो किस में होता है? किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 से 3 की बात करते हैं। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है, तो किस में होता है? किशोरा अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 2 से 4 की बात करते हैं। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है? डगलस और हॉलैंड के अनुसार कौन सा है? कष्टदायक दशा का विरोध, ये भी सही है, विपरीत इच्छा, अनहोनी, ये तीनों क्वेश्चन तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है? कौन सा व्यक्ति? मानसिक सशक्त व्यक्ति कौन सा व्यवहार करता है? ये कहता है स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके को ढूंढना। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 की बात करते हैं। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स प्रतिरूप जिन्होंने दिया है वे हैं, वे कौन हैं? आसवेल हैं, ऑप्शन बी सही है, आसवेल। नाम क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइज प्रतिरूप किसने दिया है? आसवेल ने। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी, अपरिपक्वता। अपरिपक्वता क्या है? मानसिक स्वास्थ्य का कोई लक्षण नहीं। कुछ समय 2 से 8 की बात करते हैं। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है, तो सक्षम है आसानी से समायोजन होना, ऑप्शन बी संतुष्ट पृष्ठ रूप से समय सहयोगी देना, हमेशा खुश रहने की कोशिश करना। उपरोक्त चार और तीनों सही हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 से 9 की बात करते हैं। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देश तकनीकी नहीं है? कौन सी नहीं? कठोर कार, प्रतिस्पर्धा और गृहकार, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 से 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? स्वस्थ व्यक्ति का कौन सा लक्षण है? तो सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ये सारे सभी सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त स्थायी भाव कौन सा है? आदर। आदर कैसा है? अमूर्त स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 2 से 12। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है? किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है? किशोरावस्था में मानसिक व बौद्धिक विकास होता है, तो किस में होता है? बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत शीघ्रता से बहुत अधिक मात्रा में, किस में? किशोरावस्था में मानसिक और बौद्धिक विकास। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है, तो किस में होता है वो? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में क्या होता है? परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। स्वयं प्रत्यय विकसित होता है, स्वयं प्रत्यय विकसित होता है, तो कब होता है? स्वयं प्रत्यय क्या तब होता है? स्वधारणा व लोगों की धारणा से। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? तो क्या है? ऑप्शन ए संवेगी की आत्म अवधारणा, संवेगों की आत्म अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 2 से 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? खोखली मित्रता किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। वह विद्रोह की भावना होती है किशोरावस्था में, रुचियों में परिवर्तन होता है, समूह को महत्व देते हैं, मतलब उनका जो उनका समूह होता है लोगों का, मतलब बच्चों का, उसे बहुत महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता इसकी ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है, तो तर्सना है, वर्गीकरण है और संप्रत रचना है। आत्मसंप्रेषण कौन को कहते हैं? सॉरी, आत्मसंप्रेषण को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? ऑप्शन डी सही है, अंत व्यक्तित्व संप्रेषण को क्या कहते हैं? आत्मसंप्रेषण कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 219 की बात करते हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है तो क्या नहीं है? ऑप्शन बी, संवेगों पर नियंत्रण रखना। क्वेश्चन नंबर 220 की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना की परिभाषा दी गई है। ये किसने दी थी? ड्राइवर द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? ड्राइवर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 221 की बात करते हैं, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, यह कथन किसका है? ये है ऑप्शन सी, हरलॉक का। किसका है? हरलॉक का। क्वेश्चन नंबर 222 की बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है, तो ऑप्शन ई, विद्यार्थी के अवांछनीय व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, तो ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 223 की बात करते हैं, कौन सा कथन दिव्यांग स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं? दिव्यांग स्वप्न का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है कि दिव्यांग स्वप्न अपने सामान्य रूप से किशोरों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन बी, यह कहानियों और कविताओं के लिए मदद करते हैं। ऑप्शन सी, यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत होते हैं। ऑप्शन डी, यह कभी भी हानिकारक नहीं होते। ऑप्शन डी इसका सही है, यह कभी कैसे नहीं होते, हानिकारक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 224 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक संवेग है, तो चिंता कैसा है? नकारात्मक संवेग है। चिंता कैसा है? नकारात्मक संवेग। आनंद, आशा और उपलब्धि कैसा है? सकारात्मक संवेग है। कारक जो, क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, तो वो क्या है? प्रशिक्षण। क्या? प्रशिक्षण क्या लाता है? अस्थायी और स्थायी में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है तो वो किसकी है? प्रतिरक्षा व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है वो क्या है? व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। ऑप्शन डी सही है इसका। अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आय का ध्यान रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाता है, तो ये क्या है? नैतिक विचार है। क्या है इसके अंदर? बालक के अंदर नैतिक विकास हुआ है, नैतिक विकास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 228 की बात करते हैं, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है तो कैसी करता है? अनौपचारिक करता है। और विद्यालय कैसी? यहाँ अगर परिवार की जब विद्यालय आ जाए तो क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 229 की बात करते हैं, यह कथन कि उत्तेजना प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? तो ये किसको करता है? गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ऑप्शन बी सही है, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 230 की बात करते हैं, आसवेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है, तो खोजपूर्ण सीखना। कैसा? खोजपूर्ण सीखना क्या कहलाता है? सीखने की समस्या का समाधान निहित होता है। किसने कहा था? आसवेल ने। अविक्रमिक अनुदेशन के प्रकार हैं, अविक्रम अनुदेशन के प्रकार रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स, ये चारों ही इसके ऑप्शन सही हैं। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 232 की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक ने कौन से समूह के समूह महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, तो किस पर किया था? व्यवहारवादी पर इन्होंने केंद्रित किया था, व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 233 की बात करते हैं, स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही है इसका, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना और विचार को समझना। क्वेश्चन नंबर 234 की बात करते हैं, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? मतलब जीवन सीखने तो क्या है? ज्ञान का गतिक विकास। ऑप्शन डी सही है, ज्ञान का गतिक विकास। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है? समय बढ़ता है, अपने विषय में महारत होता है। ऑप्शन सी, विषय में महारत तथा संचार क्षमता होता है। ऑप्शन सी सही है इसका।
क्वेश्चन नंबर 236 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल वृत्त संबंध संवेग के सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संवेग क्या होता है? संवेदना, आश्चर्य, यही इसका सुमेलित नहीं है। और जैसे पलायन, भय, दुष्प्रेय, क्रोध, अभिप्रियता, घृणा, ये सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। 237 का बात करते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान क्या होती है? चिंतन प्रक्रिया होती है। जब भी हम कोई समस्या समाधान करते हैं तो उसमें चिंतन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 238 की बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो कौन सी नहीं किया गया है? ऑप्शन पराधीनता, ऑप्शन सी सही है। पराधीनता किया गया नहीं किया गया है। और किस किस किया गया है? अधिनियत का किया गया है, प्रतिभापरकता किया गया है, सांकेतिकता का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 239 की बात करते हैं। यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सीखना सिखाया जा सकता है, किसने व्यक्त किया था? तो ये प्याजे ने व्यक्त किया था। तो विकास ही किसी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो ये किसने कहा था? प्याजे ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 240 की बात करते हैं। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए आत्मानुभूति पर। किसमें? आत्मानुभूति पर विश्वास करना चाहिए। ऑप्शन डी सही है इसका। निर्मितावाद उपागम का उद्भगम है, निर्मितावाद उपागम का उद्गम है क्या है? संज्ञानवादी मनोविज्ञान। क्या है? संज्ञानवादी मनोविज्ञान। ऑप्शन सी सही है इसका। किसने सामाजिक निर्मितावाद के सिद्धांत पर बल दिया है, अधिक बल दिया है? तो किसने दिया है? तो ये दिया है बायगोस्की ने। ऑप्शन सी सही है इसका। बायगोस्की ने क्या दिया है? बल दिया। निर्मितावाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, निर्मितावाद क्या हो चाहिए? सहजकर्ता की, किसकी हो जाएगी? सहजकर्ता की भूमिका होनी चाहिए निर्मितावाद के अनुसार। बच्चे के अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपने समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? यह प्याजे का कथन है। ऑप्शन सी सही है इसका, कि बच्चे क्या बना लेते हैं? समझ बना लेते हैं, विकास की समझ बना लेते हैं। क्वेश्चन 245 की बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था कौन था? वो जीन प्याजे था। इन्होंने क्या बताई थी? चार अवस्थाएँ बताई थी। क्वेश्चन नंबर 246 की बात करते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेग विकास के लिए उत्तरदायी माना? तो परिपक्वता और अधिगम को क्या माना? इन्होंने विकास के लिए उत्तरदायी माना। क्वेश्चन नंबर 247 की बात करते हैं। ब्रूनर ने संरचनात्मक विकास की तीन महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की, निम्नलिखित में से इस अवस्था में सही क्रम का चयन कीजिए। तो ब्रूनर ने विकास की तीन कौन कौन सी मानी थी अवस्थाएँ? तो एने टिक्सव, दूसरी होती है अनुप्रतीकात्मक और तीसरी है प्रतीकात्मक। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 248 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोणवर के नैतिक विकास की एक अवस्था है? कोणवर की कौन सी है? परंपरागत नैतिक अवस्था। ऑप्शन ए सही है। किसकी? कोणवर की नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी? परंपरागत नैतिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 249 की बात करते हैं। संबंधवाद क्या बोलते हैं? सहचार्यवाद के सिद्धांत में कौन सा बंध संबंधित है? तो इसमें कौन सा संबंधित है? उद्दीपक प्रतिक्रिया, उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 250 की बात करते हैं। मनोविश्लेषण में निम्न में से अध्ययन पर बल दिया जाता है, मनोविश्लेषण में निम्न में से बल दिया जाता है? अचेतन पर। किस पर दिया जाता है? अचेतन पर। आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए, आगे की श्रृंखला चलती रहेगी। अब इसके बाद कल जो श्रृंखला आएगी वो 251 से आगे चलेगी। तो ये हमारी वीडियो को पीछे भी जो वीडियो पड़ी है उन्हें भी देखें। थैंक यू।